हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉन होमोजेनियस टाइप में हम लोग आज एक और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हम टाइप थ्री में देखा था कि एक्स पे पावर एम का राइट साइड में कोई फंक्शन होता था, ये जो क्वेश्चन है इसमें अब तक हमने जितना पढ़ा है सबका प्रैक्टिस होगा, सब कुछ आप इसमें रिविजन कर सकते हो, क्योंकि इसमें तीनों फंक्शन है। ई पे पावर ए एक्स के टाइप में ई पे पावर टू एक्स है, एंड साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म के लिए साइन टू एक्स है, एंड एक्स पे पावर एम के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स अभी तक हमने जो तीनों टाइप पढ़ा है, तीनों टाइप को हम एक ही क्वेश्चन में रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डी माइनस टू इंटू डी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू टू एंड टू, दो हमारे रियल रूट हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई पे पावर टू एक्स, इतना तो आपको अभी तक आ रहा होगा। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। पी ए पे क्या होता है, वन अपॉन एफ डी इंटू एक्स, एक्स की जगह हमारे पास अभी ये है, लिख देते हैं वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर एट इंटू ई पे पावर टू एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक एक कर एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। जैसे आप इसको इसे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करो, तो पहला टर्म हो जाएगा वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर ई पे पावर टू एक्स। आप क्या करो, एट जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, क्योंकि बार बार उसको लिखने से क्या फायदा, प्लस वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर साइन टू एक्स प्लस वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, प्लस इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं, पहले वाले को वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर ई पे पावर टू एक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ई पे पावर ए एक्स वाले फॉर्म में। तब देखो ए की जगह यहां पर क्या है, ई पे पावर ए एक्स, अगर इसको कंपेयर करोगे तो ए की जगह यहां पर टू है, तो डी की जगह आपको टू रखना होगा, लेकिन डी की जगह जैसे आप टू रख रहे हो, टू माइनस टू जीरो हो जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, उसको बाद रखना होगा। तो पहले हमने न्यूमरेटर में एक्स मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो 2d माइनस टू, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, एंड e पे पावर 2x। फिर अभी भी अगर हम d के जगह 2 पुट कर रहे हैं, फिर भी ये जीरो हो रहा है, इट मीन्स हमको क्या करना है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप अगर एक बार और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो, तो ऊपर x एंड न्यूमरेटर में आपको एक बार और x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, d माइनस टू को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड d का डिफ्रेंशिएशन 1, इट मीन्स 2 इंटू 1 ई पे पावर 2x। अब इसमें कोई d बचा नहीं कि जी जो हम d के जगह 2 पुट करें, तो हमारा आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 ई पे पावर 2x, इट मीन्स ये वाला जो टर्म था इसको हमने सॉल्व कर दिया एंड इसका वैल्यू आया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई पे पावर 2x। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, वन अपॉन डी माइनस टू एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर साइन टू एक्स। आपको पता है जब भी क्वेश्चन में साइन ए एक्स प्लस बी, जब भी साइन या कॉस रहे, तो आपको क्या करना होता है, डी स्क्वायर के जगह पर पुट करना होता है, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में डी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले एक्सपेंड कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करो, डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर डी साइन टू एक्स, ठीक है। अब आप क्या करो, डी स्क्वायर के जगह माइनस टू का टू स्क्वायर पुट करोगे, तो वन अपॉन माइनस टू स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4d साइन 2x, माइनस टू स्क्वायर इट मीन्स माइनस 4, प्लस का 4 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, माइनस वन अपॉन फोर डी
साइन 2x। आपको पता है कि 1 अपॉन डी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन। 1 अपॉन डी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 इंटू 1 अपॉन डी साइन 2x का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, तो कॉस 2x अपॉन 8। ये हो गया आपका इस वाले टर्म का। अब हम देखते हैं ये वाले टर्म, तीन नंबर टर्म है। तो 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पर होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको कांस्टेंट को बाहर लेना होता है कॉमन, ताकि ये 1 प्लस एक्स वाले फॉर्म में बाइनोमियल वाला चेंज हो जाए एंड उसको एक्सपेंड कर पाए। तो वैसे ही करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन लेना है। 2 आपका बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर बच जाएगा डी बाई 2 माइनस 1। ये 4 कॉमन ले लिया, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसको आप ऐसे करो, आप इसको डी माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप 2 माइनस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें कोई इशू तो है नहीं, क्योंकि वैल्यू तो दोनों का सेम ही है। अब आप इसमें से 2 कॉमन बाहर लोगे, 2 बाहर लोगे इट मीन्स 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4। एंड यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमने कॉमन ले लिया। तो अब आप देखो 1 माइनस एक्स का फॉर्म हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई 4 तो कांस्टेंट हो ही गया, एंड इसमें हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन 2 पे पावर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड करो 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 2 वाले बाइनोमियल थ्योरम से। कब तक एक्सपेंड करोगे, डी का पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डी स्क्वायर तक एक्सपेंड करोगे, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब होता तो डी क्यूब तक करते, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 तक ही करेंगे। तो 1 अपॉन 2, 1 माइनस 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 2 इंटू डी माइनस 2 डी बाई 2, ये फर्स्ट टर्म हो गया। एंड सेकेंड टर्म डी स्क्वायर जहां आएगा हमारा, उसके लिए माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2 डी बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड इसके आगे का जो भी टर्म होगा एक्स स्क्वायर। ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1 माइनस, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस या 1 प्लस, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 का जो एक्सपेंशन है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन बाई 2 एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर हमने इसको एक्सपेंड किया है, आप करो। देन अभी हमको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो 1 अपॉन 4, 1 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, प्लस का डी, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड 3 बाई 2 प्लस का 3 बाई 2 डी एस, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 एंड 2 स्क्वायर 4 एंड डी स्क्वायर, बाकी उसका टर्म तो 0 ही होने वाला है एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 अपॉन 4, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड इसके आगे का जो भी हायर टर्म होगा उसमें अगर आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करते हो तो अगर डी क्यू होता है तो 3 बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखना ही नहीं है। तो 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर,
एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3/2। एंड डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि डी स्क्वायर का मतलब होता है कि इसके साथ जो भी फंक्शन है उसको आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, एंड इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा एंड एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, ये आ गया 2, सॉरी यहां पर 3/4 था ना, 3/4 एंड ये भी 3/4, तो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ये हो गया आपका तीसरा। तो हमारा टोटल पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आया था एक्स स्क्वायर 2, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पे पावर 2x प्लस सेकेंड हमारा आया था कॉस 2x अपॉन 8 एंड थर्ड हमारा ये आया 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ये हो गया। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आया था c1 प्लस c2x ई पे पावर 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये टोटल लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पे पावर 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 8 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि पहला तो नॉन होमोजीनियस है, दूसरी बात कि इसमें हमारे पास ये जो फंक्शन है उसमें तीन टर्म है, तीनों टर्म अलग अलग है, ई पे पावर एक्स वाला फॉर्म है, साइन एक्स प्लस 2 बी वाला फॉर्म है, एंड एक्स पे पावर एम वाला फॉर्म है, तीनों फॉर्म है, इट मीन्स हमें तीनों रूल अप्लाई करना होगा सेपरेटली। पहला तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, बात खत्म, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता है कि 1/FD(x) होगा एंड x का वैल्यू यहां पर ये है, हमने लिख दिया। एंड अब क्या करेंगे कि इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 जो हमारा बाहर था 8 को हमने बाहर ही रखा, तो ये बाहर आ गया, इसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व किया, 1/(d-2) ई पे पावर 2x है, 2 अगर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर कोशिश किया रखने के लिए, फिर भी 0 आता, एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पे पावर 2x, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस वाले टर्म का। एंड इस वाले टर्म को देख रहे हैं, 1/(d-2) एक्स स्क्वायर है एंड साइन 2x है, साइन के साथ जब भी रहेगा तो एक डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है, यहाँ पर डी स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, फिर हमने क्या किया, डी स्क्वायर की जगह माइनस 2x² रख दिया, इसको माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, माइनस 4d हुआ, तो माइनस 1/4d, तो 1/d क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/d आपको इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 4 2 8 तो कॉस 2x अपॉन 8, ये कंप्लीट हो गया। एंड तीसरा जो ये टर्म है 1/(d-2)² × x², इसको करना है, तो आप इसको d माइनस 2 का होल स्क्वायर की जगह 2 माइनस d का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर को या b माइनस a का होल स्क्वायर को बात सेम ही होता है, तो इसको हमने किया। अब हमने इससे क्या करना होता है, 1-x के फॉर्म में इसको लिखना होता है, ये हो गया 1 1-x, x के जगह पर यहाँ पर d/2 है, 1-x लो या 1+x लो, इससे कोई सुनिए, तो हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना होगा, 2 को कॉमन लेना है, 2 बाहर लेना है, तो ये होल पे स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर बाहर आएगा, 2 स्क्वायर बाहर आया, 4 हो गया, तो 1-d/2 का होल स्क्वायर, अब ये ऊपर जाएगा, तो 1-d/2 पे पावर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको 1-x पे पावर n, 1-x पे पावर 1+x पे पावर n, ये जो फॉर्मूला है जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं उसी पे हमने इसको एक्सपेंड किया, एंड देन हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। तो आई थिंक PI में यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड 8 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक एक टर्म को सॉल्व किया एंड
तीनों टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता रखा है, या इस क्वेश्चन में ही आप तीनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।